22 से मेरे पैर में पेन था, लेकिन 6 तक मेरे पैर में कुछ स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं हुई थी, फिर मैंने पेन कर ली थी नॉर्मली, लेकिन तो मेरे पैर में स्वेलिंग ज़्यादा हुई थी, तो मैं यहाँ पे फरीदाबाद आया डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आपके पैर में नसेस ब्लॉक दिख रही हैं हमको, कोई ऑप्शन वो हो सकता है मतलब, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी कन्फर्म नहीं है कि अभी पहले टेस्टिंग होगी उसके बाद मालूम पड़ेगा, कि दवाइयों से अगर वो सही हो जाएगा दवाइयों से ही कर देंगे। डॉक्टर नीरव और बीजू डॉक्टर उनको दिखाया था, उन्होंने कहा था कि अगर दवाइयों से हो जाएगा मेडिसिन वगैरह से तो उससे ही कर देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर जब रिपोर्ट्स आई उसमें नसें ब्लॉक ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा था कि आपके पैर का ऑपरेशन होगा जो कि लेजर से होगा, और उसके बाद ऑपरेशन किया था पैर का, और वो मैं जब डिस्चार्ज हुआ था कम्प्लीटली फाइन है, सब कुछ सही था, और अब मेरे पैर में ना पेन है ना स्वेलिंग है कुछ भी नहीं है, वो कम्प्लीटली फाइन हुआ है। डॉक्टर नीरव डॉक्टर बीजू बहुत ही इंटेलिजेंट एंड परफेक्ट डॉक्टर हैं, जिनने मेरा पैर का इलाज किया है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे ट्रीटमेंट दिया और हर चीज़ में सपोर्ट किया। QRG हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ पर नर्सेज वगैरह और यहाँ पर स्टाफ वगैरह बहुत ही फ्रेंडली है, और मैं इनके साथ में 5-6 दिन रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, पर भी कैसा ही लगा कि फैमिली की याद आ रही है, किसी की याद आ रही है मेरे को, उनको फैमिली का माहौल था यहाँ पर बिल्कुल भी। हाँ, इसमें हमने प्राइमरी थ्रोम्बोसक्शन किया था। ये पेशेंट जब हमारे पास आया था तो 3 दिन की हिस्ट्री थी। पहले 2 से 3 दिन में अगर पेशेंट आ जाता है तो वो ब्लड का क्लॉट इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको सीधे सक कर सकते हैं, और उसका सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि एक जो है बहुत ही अल्ट्रा लो प्रेशर सक्शन इसमें लगाया जाता है, जो कि मशीन एक अलग से आती है और वो कैथेटर अलग से आता है, उसके द्वारा हम जो है ये पूरा का पूरा क्लॉट सकआउट कर सकते हैं। जो हार्ट के अंदर 2 सर्कुलेशन अलग अलग हैं, एक जो है शुद्ध रक्त का, एक जो है अशुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त के सर्कुलेशन में जो क्लॉटिंग होती है उसके कारण जो है स्ट्रोक होता है, जो कि ब्लड दिमाग को ले जा रहा है उसके अंदर अगर क्लॉटिंग हुई तो स्ट्रोक हो जाएगा, वही क्लॉटिंग अगर हार्ट की वेसल्स में हुई तो हार्ट अटैक हो जाएगा, पैर में हुई तो पैर का जो है कटने की नौबत आ जाएगी, जिसमें कि जो है पैर सुन हो जाएगा, खून नहीं मिलेगा। ये आर्टीरियल सिस्टम के होते हैं जो कि शुद्ध ब्लड को ले जा रही है। दूसरा क्लॉटिंग होती है वीनस सिस्टम के अंदर। ब्रेन के अंदर अगर वीनस सिस्टम की क्लॉटिंग होती है तो वो दूसरी टाइप का स्ट्रोक करता है, वीनस स्ट्रोक्स होते हैं, जो कि इतना कॉमन नहीं है। पैर के अंदर ये कॉमन होता है क्योंकि पैर से वापस खून आने के लिए पिंगलियों का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DVTs जो हैं इंडिया में धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहे हैं, कई सारे रीजन्स हैं। एक तो जो है हमारा वीनस सिस्टम थोड़ा सा स्लगेश होता जा रहा है, क्योंकि हमारे चलने की आदत कम हो रही है, जिसकी वजह से वैसे ही ब्लड पूलिंग जो है ज़्यादा रहती है, मसल्स डेवलपमेंट इतना कम रहता है, जो हमारी काफ मसल्स हैं जिनको कि हम पिंगलियाँ कहते हैं उनका यूसेज कम होता जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स जो हैं जब कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हैं, कोई सर्जरी होती है उनके अंदर, या इवन फीमेल्स में जैसे प्रेगनेंसी होती है, या इनफैक्ट जो है कुछ मेडिसिंस भी हैं जो ये करती हैं, जैसे कि जो है इनफैक्ट गर्भ निरोधक गोलियाँ भी जो है DVT कर सकती हैं, और काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि उनके वजह से भी DVT होता है। तो DVT का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसको प्रिवेंट करने भी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी को क्योंकि अगर हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट है, किसी की सर्जरी हुई है, तो सारा का सारा ध्यान DVT प्रिवेंशन पे रहता है, उसके बावजूद भी DVT होती है, और अनप्रोवोक्ड DVT बहुत बढ़ रही है, जो कि मैंने अभी पहले कहा कि जिनमें कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना उनकी सर्जरी हुई, ना उन्होंने कोई लंबी फ्लाइट ली है, उसके बावजूद भी DVT होता है। इस वजह से क्योंकि बहुत सारे कारणों की वजह से ब्लड की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है थिक होने की। Thank you.